हेलो दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों दुबई रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स इंडिया से बिना वैक्सीन दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, इसका जिक्र मैंने मेरा पिछले वीडियो में किया था। तो उसके बाद मेरा दो एक व्यूअर्स ने सवाल किया था कि ये क्या सच है। तो देखिए, मैं एज पर गल्फ न्यूज़ और एज पर एयर इंडिया टॉप ऑफिशियल्स बात कर रहा हूँ। अभी एमिरेट्स एयरलाइन की ट्विटर हैंडल पेज के ऊपर एक दुबई रेसिडेंट ने सवाल किया है कि उन्होंने इंडिया से कोविशील्ड वैक्सीन लिया है, तो उनका कहना है मैं क्या ट्रैवल कर पाऊँगा। तो एमिरेट्स सपोर्ट पेज ने जो आंसर दिया है उनका क्या है, कहना है इंडिया टू दुबई ट्रैवल करने के लिए सिर्फ तीन चीज़ चाहिए, GDRF अप्रूवल, 48 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट विथ QR कोड, 4 घंटा पहले का रैपिड PCR टेस्ट। सिर्फ तीन चीज़ के बारे में उन्होंने कहा, वैक्सीनेशन स्टेटस चेक नहीं किया जाएगा, इस तरह ही उन्होंने कहा है। इसका मतलब है इंडिया टू दुबई, मतलब आपके पास दुबई का रेसिडेंट वीज़ा है, आप इंडिया टू दुबई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो विदाउट वैक्सीन आप ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, आपके पास GDRF अप्रूवल होना चाहिए, 48 घंटे के अंदर नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिजल्ट विथ QR कोड और 4 घंटा पहले का एक रैपिड PCR टेस्ट रिजल्ट भी आपके पास होना चाहिए। ये मैं सिर्फ और सिर्फ दुबई रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ और जो लोग दुबई एयरपोर्ट लैंड करेंगे उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अदर्स एमिरेट के बारे में अभी भी कोई अपडेट नहीं है, अबूधाबी एयरपोर्ट, शारजा एयरपोर्ट, रसल खान एयरपोर्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दुबई एयरपोर्ट के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो दुबई रेसिडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है ये, तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।